हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग दो चर वाले एक घातीय रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि इनका सॉल्व किस प्रकार से होता है, एवं ये जानेंगे किस स्थिति में समीकरण का हल होगा, किस स्थिति में समीकरण का हल नहीं होगा या कितने हल होंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी, कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी हल होने के शर्त, हल होने के शर्त, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल होने के शर्त। पहला है, सबसे पहले हम समीकरण मान लेते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो। दूसरा समीकरण है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू ज़ीरो। यदि ए वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, तो इस स्थिति में समीकरण के सिर्फ एक हल होते हैं। ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, तब समीकरण का अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल होता है। दूसरा कंडीशन है अनगिनत हल होने के शर्त। ए वन बाय ए टू बराबर बी वन बाय बी टू बराबर सी वन बाय सी टू, तब समीकरण का अनगिनत हल होंगे। तीसरा कंडीशन है, अगर ए वन बाय ए टू बराबर बी वन बाय बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू, तब समीकरण का कोई हल नहीं होता है, तब समीकरण का कोई हल नहीं होता है। इसमें हम और जानेंगे समीकरण के संदर्भ में कि समीकरण युग्म क्या कहलाता है। जब अनगिनत हल होते हैं तब समीकरण क्या कहलाता है, जब कोई हल नहीं होता है तब समीकरण क्या कहलाता है। तो परीक्षा में बार बार ये चीज़ पूछा जाता है कि ए वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, तब समीकरण युग्म क्या होगा। तो इस स्थिति में समीकरण युग्म अविरोधी होता है, इस स्थिति में समीकरण युग्म अविरोधी होता है। ए वन बाय ए टू बराबर बी वन बाय बी टू बराबर सी वन बाय सी टू, जब अनेक हल होते हैं यानी अनगिनत हल होते हैं तब समीकरण युग्म आश्रित होता है। इस स्थिति में समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है। जब ए वन बाय ए टू बराबर बी वन बाय बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू, तब समीकरण युग्म विरोधी कहलाता है, यानी कोई हल नहीं होता इस स्थिति में। तो इस स्थिति में समीकरण युग्म विरोधी कहलाता है।
विरोधी कहलाता है। तो हम जाने कि हलों की संख्या कितनी होगी, ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, तब समीकरण का द्वितीय हल होता है ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू। जब तीनों बराबर होता है तब समीकरण का अनगिनत हल होता है। जब ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है, जो कि तीसरा पॉइंट है। फिर हम तीन पॉइंट बनाए हैं ए बी सी। इन तीनों पॉइंट में जब ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म अविरोधी होता है। जब तीनों बराबर होता है तो इस स्थिति में समीकरण युग्म आश्रित कहलाता है। जब ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, तो इस स्थिति में समीकरण युग्म विरोधी कहलाता है। फिर हम नए तरीके से इसको सीखते हैं। जब ए वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, तब समीकरण का आलेख प्रतिच्छेदी होता है। प्रतिच्छेदी होता है अर्थात एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। इस प्रकार से दोनों का आलेख कहीं ना कहीं किसी न किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसी को कहा जाता है प्रतिच्छेदी। दूसरी स्थिति होती है जब ए वन बाय ए टू बराबर बी वन बाय बी टू बराबर सी वन बाय सी टू, इस स्थिति में समीकरण का आलेख समपाती होता है। इसको समपाती कहा जाता है। तब आलेख समपाती होता है यानी कि दोनों समीकरण का ग्राफ एक ही लाइन पर होता है, दोनों समीकरण का बिंदु एक ही होता है, यानी कि इसे समपाती कहा जाता है। और तीसरा होता है जब हल नहीं होता है ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, इसमें कोई हल नहीं होता है, तब समीकरण का आलेख समांतर होता है। दोनों आलेख जो है ग्राफ पेपर पर एक दूसरे के पैरेलल में होता है, यानी इस प्रकार से समांतर होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी हल होने की शर्त क्या होती है। इसमें हम जानते हैं कि समीकरण का किसका अद्वितीय हल होगा, किसका एक से अनेक हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा। उस स्थिति में समीकरण युग्म क्या कहलाता है, जब हल होता है तो वो होता है अविरोधी, जब हल नहीं होता है तो वो होता है विरोधी, यानी एक दूसरे का विरोध करता है, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल में रहता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।